सिपाही भर्ती का ई प्रवेश पत्र 30 से, तो एडमिट कार्ड सिपाही भर्ती के जो भी बिहार पुलिस के हैं वो 30 से आपको मिलेगा। तो इसकी पूरी जानकारी देखिए यहाँ पर। बिहार पुलिस में सिपाही की 11,880 पदों पर बहाली के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। तो वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिए और टेक चंपारण चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, शुक्रवार को केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने अपनी वेबसाइट पर इसे अपलोड कर दिया है। अभ्यर्थियों को 30 दिसंबर से ई प्रवेश पत्र मिलेगा। इसके लिए उन्हें पर्षद की वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर प्रिंट लेना होगा। एडमिट कार्ड मतलब उसके वेबसाइट जो है उस पर लेना होगा आपको। पर्षद ने स्पष्ट किया है कि किसी को भी डाक के जरिए प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। जो पहले घर पर भेजा जाता था वो नहीं भेजा जाएगा। पर्षद ने ई प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर पाने की स्थिति में डुप्लीकेट प्रवेश पत्र देने की व्यवस्था की है। ऐसे अभ्यर्थी जो किसी कारणवश प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर पाते हैं वह 6 से 7 जनवरी को पर्षद के बैंक हार्डिक रोड स्थित कार्यालय से इसे प्राप्त कर सकते हैं। सुविधा के लिए उत्तर पुस्तिका का प्रतिरूप भी जारी कर दिया गया। जो उत्तर पुस्तिका प्रतिरूप है वो भी जारी कर दिया गया है। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। इसके लिए पर्षद ने अपनी वेबसाइट पर उत्तर पुस्तिका का प्रतिरूप जारी कर दिया है, जहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। कई दफे ऐसा होता है कि OMR सीट आधारित उत्तर पुस्तिका पर जरूरी सूचनाएं दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं दी जाती हैं, इसके कारण उनकी दावेदारी रद्द की जाती है। ऐसी दिक्कतों से न गुजरना पड़े इसके लिए यह कदम उठाया गया है। सिपाही के 11,880 पदों के लिए राज्य में कुल 550 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पर्षद के मुताबिक सिपाही भर्ती परीक्षा में 12,66,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। तो इसके देखिए यहाँ पर, सिपाही के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन जनवरी में 12 और 20 तारीख को किया जाएगा। जनवरी में 12 और 20 तारीख को। पर्षद के मुताबिक दोनों दो पालियों में परीक्षा होगा। पहली पाली पूर्वाह्न के 10 से 12 बजे और दूसरी पाली अपराह्न में 2 से 4 बजे के बीच होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पहले सेंटर पर रिपोर्ट करनी होगी। 1 घंटा पहले आपको सेंटर पर जाना होगा। किस अभ्यर्थियों को परीक्षा किस केंद्र पर होगी इसकी सूची 9 जनवरी से पर्षद की वेबसाइट पर उपलब्ध कर दी जाएगी। हाँ तो देख लिए यहाँ पर, 12/1/2020 रविवार को प्रथम पाली 10 बजे से पूर्वाह्न 12 बजे तक, आपको 9 बजे जाना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ सेकेंड पाली में 12/1/2020 द्वितीय पाली 2 बजे से अपराह्न 4 बजे तक होगा, जिसमें आपको 1 बजे जाना होगा। और 20/1/2020 को सोमवार को प्रथम पाली, इसमें इतना देखिए यहाँ पर 10 बजे से 12 बजे तक होगा और 9 बजे जाना होगा। और वहीं सोमवार को भी वहीं है। तो इसका वेबसाइट देखिए यहाँ पर www.csbc.bih.nic.in पर उपलब्ध रहेगा। वहाँ से जाकर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।